स्वर्ग से सुंदर है ये जगह, गर्मी में यहाँ मनाए छुट्टियाँ, खूबसूरती देख हार जाएंगे। जबलपुर में इतनी सुंदर और विस्तृत जगह है कि इत्मीनान से देखने पर ही आनंद आएगा। आज हम द खबरदार न्यूज में यहाँ की सबसे खास जगहों के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी यात्रा यादगार बन जाएगी। एमपी का ये नूर देख शहर जबलपुर देखो, मध्य प्रदेश अपने खूबसूरत पर्यटक स्थल, अपने पन और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन मध्य प्रदेश का यह शहर इन सभी खास बातों के साथ अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी मशहूर है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर जबलपुर के बारे में, जिसे संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जबलपुर में इतनी सुंदर और विस्तृत जगह है कि इत्मीनान से देखने पर ही आनंद आएगा। भेड़ा घाट का धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल एक खूबसूरत तथा मनमोहक पर्यटक स्थल है। यहाँ वाटरफॉल 58 फीट की ऊंचाई से खूबसूरती से गिरता है। जब संगमरमरी चट्टानों से नर्मदा का पानी नीचे गिरता है तो ये धुएं के समान लगता है। इसी वजह से इस झरने का नाम धुआंधार पड़ा, जिसका अर्थ है धुएं का प्रभाव मिलता है। गर्मियों में यहाँ आने का अपना मजा है, जहाँ आप नाव की सवारी, नदी के किनारे पिकनिक या सनसेट के सबसे अद्भुत दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं। भेड़ा घाट का मार्बल रॉक। जबलपुर का भेड़ा घाट बेहद सुंदर है, यहाँ के नज़ारे आपका दिल लूट लेंगे। भेड़ा घाट में आपको अनोखी संगमरमर की चट्टाने भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 100 फीट की ऊंचाई तक ऊंचे संगमरमर के ये पहाड़ विभिन्न रूपों और रंगों में दिखाई देते हैं, जिनमें सफेद, काला, हल्का नीला और हल्का हरा शामिल है। यहाँ आप केवल कार में या नाव पर घाटी के पार यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ के मोहनीय दृश्यों का आनंद लें, विशेष रूप से सनराइजर्स के दौरान या पूर्णिमा की रात को। यह सुखद अनुभव आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। डुमना नेचर रिजर्व पार्क। यह पार्क 1058 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला शहर की सीमा के बाहर एक पर्यावरण तथा पर्यटन स्थल है, जहां आप सुंदर वनस्पतियों और जीवों को देख हैरान रह जाएंगे। आप यहां कई मनोरंजक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ना, पंछी देखना और वॉकिंग, साइकिलिंग। यहां पुस्तकालय के साथ खान पान की सुविधा हेतु रेस्टोरेंट भी है। बच्चों के साथ यहां मौजूद टॉय ट्रेन में बैठने का आनंद लेते हुए उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। बरगी बांध। बरगी बांध 1974-1920 के बीच नर्मदा नदी पर बनाया गया था। 16 साल में बना यह प्रोजेक्ट विशालकाय है। बांध का पानी 3 जिलों यानी जबलपुर, मंडला और सिवनी के इलाकों में फैला हुआ है। बरगी बांध की ऊंचाई 69 मीटर और लंबाई 5.4 किलोमीटर है। बरगी बांध को आपके जबलपुर के टूर प्लान में जरूर शामिल करना चाहिए। यह सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से निर्मित नर्मदा नदी पर बने पहले 30 पूर्ण बांधों में से एक है। वाटर स्कूटर, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग और क्रूज राइड की सुविधाओं के साथ यह साइट पिकनिक के लिए भी अच्छी है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ की क्रूज की सवारी है। बैलेंसिंग रॉक। जबलपुर का बैलेंसिंग रॉक देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा होगा। यह संरचना वास्तव में नष्ट हुई ज्वालामुखी चट्टानों की एक शाखा है। ऊपरी चट्टान निचली चट्टान पर इस तरह संतुलित है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा उनकी मूल स्थिति को बाधित नहीं कर पाई है। कई तूफान आए, कई आपदाएं आई, यहाँ तक कि भूकंप भी आए, मगर यह रॉक टच से मस नहीं हुआ। इस स्थल की असामान्यता ने इसे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय आकर्षण बना दिया है। कचनार सिटी मंदिर। जबलपुर के बीचों बीच स्थित भगवान शिव को समर्पित मंदिर एक दार्शनिक स्थान है। देश भर से महाकाल भक्त यहां भगवान शिव की 76 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा को देखने दूर दूर से आते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। यह एक सुंदर तथा अलौकिक मंदिर है।